हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के दरमियान एक धमाकेदार सेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस सेशन में कुछ प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे, जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हूँ? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं नंबर लिखा हूँ 0, 1, 5 एंड 6। अगर जीरो का अगर पावर में इवन पावर लेंगे वो भी जीरो आएगा, अगर ऑड पावर लेंगे फिर भी जीरो आएगा, अगर वन का इवन पावर लेंगे बा ऑड पावर लें जो भी लेंगे तो वो भी उसका यूनिट डिजिट वन आएगा। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे देखो, फाइव का अगर इवन पावर बा ऑड पावर लेंगे, सपोज मैं लिखता हूँ फाइव का, सपोज मैं लिखता हूँ फाइव का पावर सपोज टू, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये फाइव स्क्वायर है, दैट मीन्स 25। इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? फाइव है। तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ये जो नंबर लिया हूँ ये फाइव का अगर इवन पावर लें या ऑड पावर लेंगे तब क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट फाइव आएगा। इस तरह से मैं एज्यूम कर सकता हूँ। अभी देखो सिक्स का अगर इवन पावर लूँ या ऑड पावर लूँ, सभी केस में क्या आएगा? उसका यूनिट डिजिट सिक्स आएगा। अगर मैं सिक्स लिखूँ, सिक्स का स्क्वायर ये कितना आता है? 36। पहले यूनिट डिजिट इसका सिक्स। अगर सिक्स का क्यूब लूँगा फिर भी ये क्या आएगा? सिक्स का क्यूब लेंगे तो ये 216 होता है, 216। देखो इसका भी यूनिट डिजिट सिक्स आता है। ठीक है, तो ये पहला वाला केस गया। सेकंड वाला केस, यूनिट डिजिट ऑफ 2, 3, 7 एंड 8। यहाँ पे देखो ये चार डिजिट लिखा हूँ, 2, 3, 7 एंड 8। अगर इसका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, इसका अगर लेंगे भाई इवन पावर ऑड पावर, इस तरह से लेते रहेंगे। देखो 2 का पावर 1 लिया हूँ, 2 आया, 2 का पावर 2 लेंगे 4 आएगा, 2 का पावर 3 लेंगे 8 आएगा, 2 का पावर 4 लेंगे 16, और 2 का पावर 5 लेंगे तो 32। देखो यहाँ पे 2 आया था, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट भी 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हूँ? साइकिल रिपीट्स आफ्टर 4। इसका जो पावर मैं 4 लिया हूँ, 4 के बाद जो पावर लोगे फिर वो रिपीट होता रहेगा, फिर वो रिपीट होता रहेगा। तो इसको देखो ध्यान से। उसके बाद अगर 2, 2, 2 पावर 6 लेंगे, देखो 64 आ गया। देखो यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है? 2, 2 पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। देखो 2, 2 पावर 6 का भी यूनिट डिजिट कितना आया? 4 आया। तो इस तरह से साइकिल रिपीट होता रहेगा आफ्टर 4। अभी यूनिट डिजिट ऑफ 4 एंड 9। तारे अगर मैं 4 लूंगा उसका इवन पावर लेंगे, 4 का इवन पावर, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 का अगर मैं इवन पावर लेंगे, 4 का इवन पावर 4 स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा इवन पावर, और ऑड पावर भी लिखूँ सब 4 क्यूब, अगर इवन पावर लिखेंगे 4 का इवन पावर, सो दैट मीन्स 16। देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6, इसलिए मैं लिखा हूँ यूनिट डिजिट 6। देखो 4 का क्यूब लेंगे तो ये 64 आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। देखो यूनिट डिजिट 4 का अगर व्हाट पावर लेंगे, 1, 3, 5, 7 इस तरह चलेगा, तब उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसलिए यहाँ देखो 4 आया है, इसलिए मैं 4 लिखा हूँ। तो 9 का भी सेम तरीके से, 9 का अगर इवन पावर लेंगे तब वो 1 आएगा, अगर व्हाट पावर लेंगे वो क्या आएगा? 9 आएगा, व्हाट पावर लेंगे तो 9 आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन गिवन है फाइंड द डिजिट इन थाउजेंड्स पोजिशन, फाइंड द डिजिट इन थाउजेंड्स पोजिशन ऑफ दिस नंबर। ये नंबर गिवेन है, इसका मुझे थाउजेंड पोजिशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँ, अगर मैं इस तरह से कहीं पे लिखा है, सपोज इसको मान के चलते, सपोज 55 × 1000 अगर मैं लिखा हूँ कहीं पे, इस तरह से लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 55000 लिखेंगे। पहले थाउजेंड प्लेस कौन सा होगा? ताले मेरा थाउजेंड प्लेस कौन सा होगा? ये वाला होगा मेरा थाउजेंड प्लेस में। यहाँ पे बोला है फाइंड द डिजिट इन थाउजेंड पोजिशन, ये यूनिट प्लेस होगा, ये टेंथ प्लेस होगा, ये हंड्रेड प्लेस होगा, ये थाउजेंड प्लेस होगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवेन है? इसको अगर क्वेश्चन नंबर 1 में एज्यूम करूँ तो ये क्वेश्चन है मेरा फाइव क्यूब इंटू 2 टू द पावर 1001। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा गिवन है। तो इसको मैं किस तरह से ब्रेक करें ताकि मुझे प्रॉब्लम आसान हो जाए, इसका फाइंड करने के लिए थाउजेंड पोजीशन में कौन सा डिजिट आएगा मुझे चेक करने के लिए आसान हो जाए। तो इसको मैं क्या लिखेंगे देखो थोड़ा ध्यान से, ये फाइव क्यूब है, इसको फाइव क्यूब रहने दो। कैन आई राइट दिस लाइन? इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे ये फाइव है, इसका पावर अगर 2 का पावर 3 में लिख दूँ, देखो यहाँ पे पहले 5 × 2 = 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 टू 2 पावर 10, तो इसको मैं क्या लिखेंगे? 998। देखो ये दो को सम करेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है इसका? देखो बेस दोनों का सेम है, पहले इंडेक्स देखो 3 + 998 आएगा तो 1001 आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो तो ध्यान से, पहले अभी क्या होगा? 5 × 2 = 10,
फाइव इंटू टू, सो इट बिकम्स टेन, इसका पावर कितना है थ्री, इंटू कितना आएगा थ्री इंटू टू 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 पार्दा कितना आएगा टू 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 पार्दा नाइन नाइन एट। देखो यहाँ पे ये कितना आएगा, ये 1000 रहेगा, ये 1000 से मुझे डिसाइड नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना आएगा, ये टू का देखो टू कहाँ पे है, सेकंड केस में साइकिल कितना बार साइकिल रिपीट्स आफ्टर फोर, तो 998, तो 900 अगर 98 है तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, अगर फोर देखे डिविजिबल कर दूंगा, 998 को फोर देखे डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा मेरा, ये कितना आ जाएगा मुझे, देखो मुझे यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर मैं यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करूँगा तो कैसे मिलेगा, ये देखो 4 इंटू टू, सो इट बिकम्स 8, और 19, चार चार 16, कैन आई राइट 38, चार नौ 36, सो इट बिकम्स हाउ मच, तो यहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा, रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा, रिमाइंडर इट बिकम्स 2, रिमाइंडर इट बिकम्स कितना मिल जाएगा मुझे 2 मिल जाएगा। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 इंटू इसका रिमाइंडर कितना आएगा 998 बाई 4। देखो यहाँ पे साइकिल रिपीट्स कितना बार होता है, साइकिल रिपीट्स आफ्टर 4, सेकंड केस में मैं लिखा हूँ, तब ये कितना आ जाएगा 2 to the power 2, सो फाइनली इट बिकम्स हाउ मच 1000 इंटू 2 to the power 2, सो इट बिकम्स 4, कैन आई राइट, सो फाइनली कैन आई राइट, सो फाइनली कैन आई राइट, सो 4000 इसका था 1000 प्लेस में कितना आएगा, 1000 पोजीशन में कितना नंबर आएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कौन सा करेक्ट ऑप्शन, सो इट बिकम्स बी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या गया है, द गिवन राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, क्या लिखा है 30, इसका पावर कितना है, पावर है 2928, ये मेरा पावर गिवन है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से रखना, ये राइट मोस्ट क्या बोला है, नॉन जीरो डिजिट फाइंड करना बोला है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, अगर कहीं पे ये वाला मेरा आंसर आया टोटल, सपोज ये वाला आंसर आया, तो राइट मोस्ट सपोज 1255, कैन आई राइट दिस लाइन, इस तरह से आंसर मिला है, तब यहाँ पे राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर राइट मोस्ट, पहले कौन सा आ जाएगा, ये पोजिशन में आ जाएगा 5 आएगा, तो इस तरह से यहाँ पे चेक करेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 into 10, इसको मैं डायरेक्टली अगर इस तरह से लिख दूँ, देखो इसको ध्यान से, तो कितना आएगा 2928, कैन आई राइट दिस लाइन, देखो अभी यहाँ पे ये 3 का पावर कितना होगा, इसको मैं अलग कर देंगे 2928, ठीक है, और इधर इसको 10 लिखा हूँ, देखो 10 का पावर कितना है, 10 का पावर 2928, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट ये जो है जीरो, इसको तो मैं डायरेक्ट इसको तो कैंसिल कर सकता हूँ, खाली मुझे इसी का वैल्यू फाइंड करने बोला है, इसी का वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे तब मुझे मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये थ्री है देखो ध्यान से, तो थ्री रहेगा तो कौन सा केस यूज करेंगे, सेकेंड केस, तो फोर देकर डिवाइड कर देंगे, अगर ये फोर देकर डिवाइड करूँगा तब कितना आएगा, ये मेरा फोर देकर डिवाइड करूँगा तो 2928, फोर देकर डिवाइड कर देंगे तो कितना इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ये इसका रिमाइंडर कितना आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, सो कैन आई राइट 4 into 6 4 into 7, सो इट बिकम्स 28, 4 into 3, सो इट बिकम्स 12, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 है, सो कैन आई राइट 4 into 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0, रिमाइंडर यहाँ पे मुझे कितना मिल गया, रिमाइंडर r बिकम्स कितना आ गया मुझे 0, तो इसका पावर कितना रह जाएगा, ये तो मुझे कैंसिल करना है, ये वाला एज्यूम नहीं करना है मुझे डायरेक्ट, ये वाला चेक करना है 3 to the power 0, तले इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, देखो यहाँ पे आंसर कितना दिया है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, ये तो 10 का पावर है इतना टाइम तक, तब मुझे इसमें कितना बार जीरो मिलेगा, इतना टाइम तक मुझे जीरो मिलेगा यहाँ पे, तब राइट मोस्ट डिजिट क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन, ये आंसर मुझे मिल जाएगा। अभी मैं तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर इस तरह क्वेश्चन रहता, द यूनिट डिजिट ऑफ, सो कैन आई राइट 137, इसका पावर ये गिवन है 13, ये 13 गिवन है, फिर इसका पावर गिवन है
47 ठीक है, इज यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। देखो अभी ध्यान से यहाँ पे देखना, ये कितना है 137, इसका पावर कितना है 13, फिर इसका पावर क्या है 47। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a to the power m, इसका पावर अगर n होता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं a to the power m into n, a to the power m into n। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर गिवन है इसका यूनिट डिजिट कौन सा है 137 का, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, 137 का यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 137 है। तो अभी मुझे चेक करना है ये 13 है ये 47 है, तो इसको मैं क्या लिखेंगे 137, इसका पावर कितना आ जाएगा मेरा, इसका पावर आ जाएगा 13 into 47। कैन आई राइट दिस लाइन। देखो यहाँ पे 7 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है, देखो यहाँ पे 7 का क्या करेंगे 4 देकर डिवाइड कर लेंगे, ये वाला इसको मैं डायरेक्ट करेंगे, इसको किस तरह से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, आसान तरीका इसका क्या है वो बताएंगे। सो कैन आई राइट डिवाइडेड बाई 4, देखो ये 4 है, 4 देकर डिवाइड करेंगे, देखो सेकंड केस में यूनिट डिजिट ऑफ 4, साइकिल रिपीट्स आफ्टर 4। देखो यहाँ पे इसको करेंगे अगर कैंसिल करेंगे ये 13 है, इसको यहाँ पे कितना आएगा, अगर 13 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, 4 into 3 सो इट बिकम्स 12, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 1। और इस केस में कितना आएगा 12 4 48, सो कैन आई राइट इसको करेंगे 11 4 44, तो 3 रहेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे, रिमाइंडर मेरा 3 मिल गया, तो फाइनल कितना है 1 into 3 सो इट बिकम्स 3। तले 7 का यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 137 का यूनिट डिजिट कितना है 7, 7 का पावर कितना है 1 into 3 सो इट बिकम्स हाउ मच, सो इट बिकम्स 3, 1 into 3 सो इट बिकम्स 3। सो फाइनली कैन आई राइट 7 का क्यूब कितना होता है 3, 4, 3। तो यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 3, तले आंसर मुझे बी ऑप्शन मिल गया, आंसर मुझे बी ऑप्शन मिल गया है। अभी चेक करेंगे लास्ट 4th क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, कैन आई राइट फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 8 into 1 cube into 5 to the power 9 into 6 to the power 4। से डायरेक्ट मैं कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोला है, तो मुझे इसको इसका डायरेक्ट इसका मैं अगर मैं इसका यूनिट डिजिट फाइंड करूँ तो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको देखो थोड़ा ध्यान से। तो ये क्वेश्चन मेरा गिवन है ये वाला 2 to the power 8 इंटू 1 क्यूब इंटू 5 to the power 9 इंटू कितना है 6 to the power 4, ठीक है। अभी देखो इसको ध्यान से देखना, अगर 6 का मैं पावर कुछ भी लूँ, 6 का पावर इवन और ऑड कुछ भी लूँ तो ये कितना आ जाता है, ये मेरा 6 आता है। 6 का पावर अगर इवन लूँ और ऑड लूँ, ये क्या है इवन पावर है, तब ये भी 6 आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हूँ फर्स्ट केस में, और देखो 5 का भी इवन पावर लो ऑड पावर लो कितना आएगा ये 5 आ जाएगा। इवन पावर लो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 5 का क्यूब करोगे तो 125, तो ये भी 5 आएगा। तो ये दोनों का क्या है मेरा प्रोडक्ट है, ये दोनों का क्या है, ये इवन ऑड पावर है ये इवन पावर है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट केस में इवन पावर लो ऑड पावर लो सेम वैल्यू आएगा। 6 का जब पावर 4 लिया 6 आएगा 5 पावर, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 6 into 5 इफ यू राइट, तो कितना आएगा मेरा इसका, ये तो प्रोडक्ट है 6 into 5 करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। देखो 0 यहाँ पे आ गया है, तो 0 के साथ में कोई भी संख्या अगर मल्टीपल करेंगे तब 0 आ जाएगा, तब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा मेरा, यूनिट डिजिट मुझे मिल जाएगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा मुझे 0। लास्ट क्वेश्चन, सो कैन आई राइट इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, इफ आई राइट डायरेक्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड, सपोज 2, 3, 5 इसका पावर गिवन है, सपोज इसका पावर गिवन है 215 प्लस, सो
सो कैन आई राइट 314 इसका पावर गिवन है 326 प्लस कैन आई राइट 6736 इसका पावर गिवन है 213 प्लस ऑफ सो कैन आई राइट 3167 इसका पावर है 112 इसको मैं डायरेक्ट किस तरह से लिखेंगे देखो मुझे इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है देखो इसको ध्यान से अगर मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना है यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है पहले 5 का पावर यहाँ पे कितना लिखा है 5 का पावर इवन नंबर इवन पावर है कि ऑड पावर है देखो यहाँ पे ऑड पावर बाय इवन पावर जो भी लेंगे 5 आएगा मेरा ठीक है पहले इसको मैं इस तरह से लिखेंगे इसका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे तब इसका अगर ऑड पावर है तब क्या आएगा 5 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 5 इसका पावर भी ऑड पावर है पहले ये भी 5 प्लस सेकंड ये वाला देखो ये 4 है यूनिट डिजिट इसका 4 है पहले 4 का अगर इवन पावर लेंगे देखो 4 का इवन पावर यहाँ पे चेक करो 4 का इवन पावर 4 का इवन पावर अगर लेंगे इवन पावर लेंगे तब मेरा कितना आएगा 6 यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 प्लस ऑफ 4 का इवन पावर लेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 अभी देखो ये 6 है 6 का ऑड पावर लिया हूँ 6 का ऑड पावर लेंगे तो कितना है वो भी 6 रहेगा देखो यहाँ पे पहला केस में लिखा हूँ यहाँ देखो 7 लिखा हूँ 7 का क्या पावर लिखा हूँ यहाँ पे देखो 7 का इवन पावर 7 कहाँ पे है यहाँ पे है पहले ये जो पावर है 112 को मुझे क्या करेंगे 4 देकर डिवाइड कर देंगे ये डिविजिबल हो जाएगा इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा 0 रिमाइंडर कितना मिलेगा 0 देखो 4 × ये कितना 28 आएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा क्वेश्चन 28 आएगा इसका रिमाइंडर कितना 0 पहले ये कितना है 7 × 2 = 0 7 का पावर 0 दैट मीन्स सो कैन आई राइट 7 का पावर कितना 0 दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 1 सो फाइनली कितना आया 5 + 6 = 11 11 + 6 सो 17 17 + 1 सो इट बिकम्स 18 पहले यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना मिला मुझे यूनिट डिजिट यहाँ पे मिल गया इस प्रॉब्लम में 8 मिल गया यह है आज का सेशन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपके तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा और हमें भी थोड़ा प्यार मिलेगा फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर बाय बाय